खबर पलामू जिले के नौडिहा बाजार प्रखंड अंतर्गत सराइडी खेल प्रांगण से है, जहां रौनियार वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सभा का संचालन जिला अध्यक्ष संजय प्रसाद गुप्ता ने किया। मौके पर राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी सम्मानित अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में रौनियार वैश्य महासभा के बच्चे बच्चियों ने स्वागत गीत एवं राष्ट्रीय गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। राष्ट्रीय चुनाव समिति संयोजक राजू गुप्ता एवं महिला मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता मनीषा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि रौनियार समाज हर दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा है। श्री गुप्ता ने कहा कि झारखंड प्रदेश में जिस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है, इस पर आगे आकर विचार करने की जरूरत है। वह हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। कार्यक्रम में पलामू सहित गढ़वा और लातेहार जिले के विभिन्न जगहों से आए रौनियार परिवार के काफी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं और बच्चे उपस्थित हुए। मौके पर नवनीत गुप्ता, दीपक गुप्ता, विजय गुप्ता, विनोद बिहारी गुप्ता, मीडिया प्रभारी छोटे लाल गुप्ता इत्यादि कई लोग उपस्थित हैं। मनातू से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता अभिमन्यु।